भगवान की प्राप्ति का सरल उपाय यह श्लोक में बताया गया है। प्रौजित केतव धर्म, मतलब कपट रहित धर्म, यह भागवत का मुख्य विषय है। प्रभु की प्रसन्नता के बिना, प्रभु की प्रसन्नता के भावों से रहित होकर अन्य भाव से किया हुआ कर्म, वह कपट युक्त कर्म, कपट युक्त धर्म कहा जाता है। जैसे ये कथा का आयोजन भी हृदय में भक्ति भाव प्रकट हो, परिवार में सब में दृढ़ता आए, ये भाव से कहा जाए तो उत्तम बात। पर हां, इसका उद्धार हो जाए, इसको मुक्ति मिल जाए, या हमारा ऐश्वर्य बढ़े या हमारी कीर्ति बढ़े, तो यह भागवत का आयोजन भी वो कपट युक्त हो जाता है। यानी भगवत प्रसन्नता के अलावा अन्य भाव से किया हुआ कर्म वो कपट युक्त कर्म कहलाता है। हम सेवा करें, हम सत्संग करें, आप नाम स्मरण करो, तो केवल भगवत प्रसन्नता के लिए करो। आजकल लोग जैसे कवचों का पाठ करते हैं, कोई सुदर्शन कवच का पाठ करता है, कोई नारायण कवच का पाठ करता है। कवच यानी एक बख्तर, अब ये सब प्रभु मेरी रक्षा करेंगे, मेरी रक्षा करेंगे, तो वो कपट युक्त धर्म हो गया। पर बस भगवत भाव की वृद्धि के लिए, भगवत प्रसन्नता के साथ, प्रसन्नता के लिए आप उन कवचों का भी पाठ करो तो वो ठीक है, नहीं तो वो कवचों का पाठ करना भी कपट युक्त धर्म हो गया। कई बार वैष्णवों को बड़ी चिंताएं सताती हैं, तो चिंता का भी नकार या निवेदितात्मा भी कदा भी भगवान न भी पुष्टि सो न करिष्यति लोके किम जगति, नवरत्न का पाठ करते हैं कि हाँ भाई इससे चिंताओं की निवृत्ति हो जाएगी। अरे भैया, चिंताओं की निवृत्ति के लिए पाठ थोड़ी करना है, जिसको ध्यान में रख के तुम वो पाठ करोगे तो वो तो और बढ़ेगा, सीधी सी बात है। आप चिंताओं को ध्यान में रख के पाठ कर रहे हो तो चिंताएं तो बढ़ेंगी। आप चिंताओं को, भयों को दूर करने के लिए, भय को ध्यान में रखकर मंत्र का स्मरण कर रहे हो तो भय बढ़ेगा, ये बात समझ जाइए। पर निष्काम भाव से श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं, निवेदितात्म भी कदापि थी, जिसने आत्मनिवेदन किया उसको चिंता किस प्रकार की हो सकती है भला। लेकिन जीव खुद के स्वार्थ का पोषण करने के लिए जप तप ध्यान आदि करते हैं तो यह सब धर्म कपट युक्त धर्म कहलाता है। श्रीमद् भागवत का मुख्य विषय निष्कपट धर्म, अलग अलग प्रयोजन से लोग भागवत भजन करते हैं। गीता जी में बताया कि चार प्रकार के जीव भगवान का भजन करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थाथी और चौथा है ज्ञानी। यह चार भक्तों में से जो आर्त जीव होगा उनके लिए भागवत तीनों तापों को दूर करता है, तापत्रयोन्मूलनम इस पद में कहा गया। जो अर्थार्थी जीव है उनके लिए कल्याणकारी जो अर्थ होगा, जो उनके लिए कल्याणकारी होगा, वह भागवत उसे अवश्य देगा। इसके लिए शिवदम शब्द का प्रयोग यहां पे किया गया। जो जिज्ञासु जीव है उनके जानने योग्य तो केवल भागवत ही है, इसलिए निर्मत्सराणाम सदाम वेद्यम यह विशेषण का यहां पे प्रयोग किया गया। और ज्ञानी जीव होगा उसके लिए यहां पे वास्तवम शब्द का प्रयोग किया गया, और निरपराधी भक्त जनों के लिए यह रस रूप है। तो श्रीमद् भागवत में मात्सर्य दोष बिना के, मतलब ईर्ष्या या अदेखाई जिसके अंदर नहीं है, ऐसे संतों के कपट रहित निष्काम परम धर्म का वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत लौकिक पारलौकिक फल दे उस धर्म का यहां पे वर्णन नहीं है, पर जिस धर्म से प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त हो वो परम धर्म की यहां पे बात है। देखिए भागवत में सब परम की ही चर्चा है, सत्यम परम, परो धर्म,
धर्म भी अलग अलग प्रकार के हैं। तीन प्रकार के धर्म बताए गए, एक सामान्य धर्म है, दूसरा है विशेष धर्म और तीसरा है परम धर्म। सामान्य धर्म किसे कहते हैं, मतलब सत्य अहिंसा ये सब सामान्य धर्म है। विशेष धर्म मतलब चार वर्ण जो बताए गए उनके जो धर्म है वह विशेष धर्म, और परम धर्म यानी प्रभु की भक्ति यह परम धर्म है। तो भागवत में उस परम धर्म की चर्चा की गई है। अत्र परमो अत्र परह लज्जा रहितः भगवत भक्ताः रमन्ते यस्मिन् सह अत्र परमः। जो भगवत भक्त लोक लाज को छोड़ करके भगवान को प्राप्त करने के लिए उनकी मस्ती में विहरते हैं, ऐसे परम धर्म की चर्चा यहां पे भागवत में की गई है। तो जिस धर्म के कार्य में जिस कर्म में सकाम भाव आ जाए, इसलिए पुष्टि परंपरा में निष्काम भक्ति की प्रधानता बताई गई। इसलिए पुष्टि परंपरा में सेवा का जो क्रम है कि बाल भाव से सेवा करो, कि बाल भाव से सेवा करेंगे तो भी मांगने की कुछ इच्छा ही नहीं होगी। तो निष्कपट धर्म निष्काम भाव ये भागवत का मुख्य विषय है। नैमिषारण्य क्षेत्र में जो ये शौनक आदि ऋषिगण स्वर्ग लोक को प्राप्त करने के लिए 1000 वर्ष चले ऐसा जो सत्र का प्रारंभ किया, वहां पे जब सूत जी का आगमन हुआ और फिर सूत जी को शौनक ऋषि ने 6 प्रश्न पूछे। देखिए नैमिषारण्य में जो यज्ञ चल रहा है वह सत्र कहा जाता है, यज्ञ अलग होता है सत्र अलग होता है। फर्क यह है कि यज्ञ में जो यजमान होता है वह यज्ञ कराने वाले की आज्ञा का पालन करता है, वो जानता नहीं है यजमान के किस प्रकार से विधि करनी है। लेकिन सत्र में बैठे हुए लोग, सत्र किसे कहा जाता है कि वहां पे ऐसे लोग बैठे होते हैं जो यज्ञ कर भी सकते हैं और करा भी सकते हैं, तो वो सत्र है। जैसे ये यज्ञ है ज्ञान यज्ञ, पर ये कथा सत्र कब बन जाए, जब वक्ता श्रोता हो जाए और श्रोता वक्ता बन जाए तो ये कथा सत्र बन जाती है। तो ये जो नैमिषारण्य में ये जो शौनक आदि ऋषि हैं जो इकट्ठे हैं, तो वो कोई यज्ञ नहीं है साधारण, वह सत्र चल रहा है। और शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी को 6 प्रश्न पूछे। प्रथम प्रश्न, भक्ति ज्ञान वैराग्य से प्राप्त हुआ विवेक उसकी वृद्धि कैसे हो। एक तो भक्ति ज्ञान वैराग्य मिलना बड़ा मुश्किल है, मिल जाए तो टिकना बड़ा मुश्किल है, और टिक जाए तो उसको बढ़ाना बड़ा मुश्किल है। तो उसकी वृद्धि कैसे हो ये हमें बताइए। दूसरा प्रश्न पूछा कि जन्मे हुए को माया पीड़ा देती है, मोह कराती है, तो वैष्णव उस मोह से निवृत्त कैसे हो। तीसरा प्रश्न पूछा, कलयुग में आसुरी जीव की शुद्धि का साधन क्या है। चौथा प्रश्न पूछा, परम कल्याणकारी साधन क्या है। पांचवा प्रश्न पूछा, परम पावन क्या है। पवित्र करने वाली तो अनेक चीज है, लेकिन उन पवित्र चीजों को भी पवित्र कर दे ऐसी पवित्र चीज क्या है। और भगवान श्री कृष्ण को पाने का नित्य साधन कौन सा है। सत्ययुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में परिचर्या, कलि में कीर्तन, यह 4 तो कालानुकूल साधनों का फल तो शास्त्रों में बताया ही है, पर प्रभु को पाने का, प्रसन्न करने का, चाहे वो कोई भी युग क्यों ना हो, बिना साधन बदले एक ऐसा साधन कौन सा है जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएं। यह 6 प्रश्न सूत जी को पूछे, और सुंदर यह प्रश्न पूछा। सूत जी ने कथा का प्रारंभ किया, मंगलाचरण किया, सुखदेव जी का ध्यान धरा, उनको वंदन किया।
यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति दिदिर्शतां तमोन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। गुरुं मुनीनां, यहां पे सुखदेव जी को मुनियों के गुरु बताया। हमने पूर्व में जब वो श्लोक आया, यम प्रब्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम मुनि मानतोस्मि, वहां पे मुनि कह के सुखदेव जी को संबोधन किया। उस समय सुखदेव जी को भागवत नहीं मिला था, इसलिए वह मुनि थे, पर यहां पे इनको भागवत मिल चुका है, इसलिए अब वह मुनियों के भी गुरु बन गए, क्योंकि भागवत उन्होंने प्राप्त कर लिया। सूत जी कहते हैं कि यह भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है, भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाली है, समस्त वेदों का सार है, और संसार के घोर अंधकार को जो पार करना चाहता है, वास्तव में उन्हीं जीव पर करुणा करके कृपा करने के लिए मुनियों के आचार्य श्री सुखदेव जी ने यह भागवत प्रकट किया, इसका वर्णन किया। मैं उन श्री सुखदेव जी का शरण ग्रहण करता हूं, शरणागति स्वीकारता हूं। सूत जी कहते हैं श्रेष्ठ धर्म तो वही है जिससे भगवान में श्री कृष्ण में निष्कपट प्रीति भक्ति प्रकट हो जाए। सवे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहताय यात्मा संप्रसीदति। और जब श्री कृष्ण में भक्ति प्रीति होती है, अनन्य प्रेम भगवान में जोड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम्। निष्काम भक्ति प्रीति के आते ही ज्ञान और वैराग्य स्वतः आ जाते हैं। ज्ञान वैराग्य से भक्ति नहीं आती, पर भक्ति आने से ज्ञान वैराग्य आते हैं। वो भी कैसे ज्ञान? निष्काम ज्ञान। आजकल के तो ज्ञान जो भी है निष्काम नहीं है, सकाम है। ज्ञानी लोग अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं, अपनी प्रशंसा कोई संपत्ति के लिए करता है, कोई आत्म प्रशंसा के लिए करता है, लेकिन जब भगवान में निष्कपट प्रीति निष्काम प्रेम आता है तो उस जीव के अंदर निष्काम ज्ञान और वैराग्य का उदय होता है। तो सबसे श्रेष्ठ भक्ति जो निष्काम हो, निष्काम भक्ति की प्रधानता सूत जी ने बताई। भक्ति की प्रधानता बताते हुए बताया कि यह श्रीमद् भागवत कैसा फल है। निगम कल्प तरुर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूविभाविका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल यानी गलितम, जब फल पक जाता है तो स्वतः धरती पर गिर पड़ता है, तो यह स्वतः अपनी इच्छा से यह पृथ्वी पर आया है। और तो और कहते हैं कि जिस फल को शुक स्पर्श करता है तो वह फल बड़ा मीठा हो जाता है, तो यह श्रीमद् भागवत इतना मीठा है क्योंकि सुखदेव जी के मुखारविंद से प्रकट हुआ है। पिबत भागवतम रसमालयम, तो ये ऐसा फल है जिसका पियो, उसका पान करो। अरे फल को तो खाया जाता है, फल को पिया थोड़ी जाता है, पर कह रहे हैं पिबत भागवतम रसमालयम, इसको तो पीना है क्योंकि ये रस युक्त है,
फल के अंतर्गत तो कहीं बीज छिलका गुठली को फेंक देना होता है, लेकिन यह ऐसा रस युक्त है कि इसमें त्याज्य पदार्थ कुछ भी नहीं है, सबका स्वीकार करो। रसमालयम, कई आचार्यों ने यह रसमालयम शब्द की अनेकानेक व्याख्याएं की। हमारे शिवलवाचार्य जी ने सुबोधनी जी अंतर्गत बड़ा विशिष्ट भाव यह रसमालयम शब्द का बताया कि रसमालयम रस प्लस आलय, जो संधि विच्छेद की जाए, आलय आ प्लस लय, लय यानी मुक्ति, आ यानी तुच्छ। यानी श्री महाप्रभु जी ने बड़ा सुंदर व्याख्या की कि ये फल कैसा है कि जिसके आगे मुक्ति भी तुच्छ है। कई लोग अर्थ आचार्य ने किया कि रस से भरा हुआ, लेकिन श्री महाप्रभु जी ने एक विशिष्ट अर्थ कि ये फल ऐसा है कि जिसके आगे मुक्ति भी तुच्छ है, मुक्ति तो मिल ही जाती है। तो ऐसा यह दिव्य फल जो भूवि भाव का, यह पृथ्वी यह धरा पर, केवल इसी पृथ्वी पर मिलता है। ये भारत भूमि श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि यहां पे भागवत विराजमान है। भारते भूषण भूतलेत, भारत अद्भुत है क्योंकि यहां भागवत है। तो निरंतर इस रस रूप फल का पान करें। आगे सुत जी ने रस रूप भागवत का वर्णन करते हुए भगवान के 24 अवतारों का ज्ञान शौनक आदि ऋषियों को बताया। जब चार प्रकार के प्रश्न भागवत संबंधी पूछे तो उनके उत्तर में सूत जी ने व्यास जी के प्रागट्य की कथा सुनाई। ब्रह्मा के वशिष्ठ, वशिष्ठ के शक्ति, शक्ति के पराशर और सत्यवती वती से भगवान के ज्ञानावतार श्री व्यास जी का जन्म हुआ। बोलिए श्री व्यास जी भगवान की जय। यह भगवान के अंश रूप ज्ञानावतार हैं। 17 पुराणों की रचना की, वेदों के विभाग किए, महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथ की रचना की, लेकिन फिर भी मन अशांत है, शांत नहीं है। सोचने लगे, अरे कुछ छूट गया, कुछ बाकी रह गया। वहीं पे नारद जी पधारे। नारद जी ने व्यास जी को चिंतातुर देखा और फिर व्यास जी ने नारद जी को पूछा। व्यास जी कहते हैं कि वेद पुराण महाभारत की रचना के बाद भी मेरा चित्त संतुष्ट नहीं है, अतः मैं आपसे इसका कारण पूछता हूं। श्री आचार्य चरण सुबोधनी जी में आज्ञा करते हैं, अतः अगाध बोधत्वाम पृच्छामहे, अगाधम प्रमाणागम्यम तत्रापि प्रमेय बलाद बोधः। श्री महाप्रभु जी सुबोधनी जी में समझा रहे हैं कि ब्रह्म जिज्ञासा को प्रमाण बल से नहीं समझा जा सकता। तो व्यास जी इसलिए नारद जी को कह रहे हैं कि आप भगवद सेवक हैं, आपने भगवान की सेवा की है, अतः स्वरूप बल से, प्रमेय बल से आप ही जानते हैं, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूं। प्रमाणभूत ग्रंथ तो इन्होंने रचे, लेकिन वो जानते थे। श्री महाप्रभु जी ने यह खुलासा किया कि ब्रह्म जिज्ञासा प्रमाण बल से निवृत्त नहीं हो सकती। व्यास जी कहते हैं कि आप वेदों का रहस्य जानते हैं और वेदों का रहस्य श्री ठाकुर जी की प्रेम से सेवा करना, भगवान में प्रीति हो जाना, यही वेदों का रहस्य है। और ये रहस्य आप जानते हैं, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। जिन वैष्णवों के उजमा थे, भगवत सेवा विरासती है, ठाकुर जी विरासती है, उनकी सेवा करने से, वह भगवत सेवा करने से उनके गुण सामर्थ्य सेवा करने वाले में भी आ जाते हैं। श्री आचार्य चरण ने सुबोधनी जी में बड़ी विशिष्ट बात की, सेव्य सामर्थ्य न सेवक सामर्थ्य
वक्तु भगवद गुणना गुणान सेवक भी सेव्य जैसा बन जाता है। अतः व्यास जी कहते हैं आप में प्रमेय बल है और मुझ में प्रमाण बल है, और प्रमेय बल से प्रमाण बल न्यून है, इसलिए हमारे भक्त कवि वल्लभाख्यान में भी गोपाल दास जी ने बड़ी सुंदर बात कही, तेने काल कर्म नव बाधे रे, यानी भगवत सेवा करने वाले वैष्णवों को काल कर्म कभी बांधता नहीं है, उसको कभी बंधन नहीं होता, यह स्वतंत्र भक्ति है। इसलिए व्यास जी नारद जी को पूछ रहे हैं, क्योंकि नारद जी के अंदर चार गुण थे,